अरे अभी फोन आया था, कौशाम्बी वाले जीजा आ रहे हैं, अभी आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। दीदी भी आ रही का भैया? नहीं दीदी नहीं आ रही है, केवल जीजा ही आ रहे हैं। अरे वो तो हर 15 दिन पहुंचे रहते हैं, हम लोग को इतनी परेशानी देते हैं। हम तो कहते हैं ना, घर में ताला बंद करके चले जाते हैं और हम लोग चल के कहीं घूम के आते हैं और घर में देखेंगे वो ताला बंद है तो लौट के खुद चले जाएंगे। ये सही रहेगा। हाँ भाई ठीक है, सही बात, नहीं तो आके परेशान भी करेगा हम लोगों को। चलो चलते हैं फिर। अरे बहुत जल्दी वो टपक जाएंगे, चलिए चलिए फिर। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, नहीं तो सारा आ जाएगा। सही बात है, जल्दी जल्दी करो भैया। यार ऐसा जीजा मिला है, इनके चक्कर में घर भी छोड़ना पड़ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया है, रोज रोज पहुँचे रहते हैं, अब इनको चलो नाश्ता करवाओ, पानी पिलाओ। रोज रोज पहुँचे रहते हैं, यही इनके चक्कर में तो हम घर छोड़ के आ रहे हैं आप लोगों को साथ में लेके। कब तक घर छोड़ेंगे भैया, अब क्या करें? हम अगर बता रहे एक बार आप उसको झाड़िए अच्छे से, अगर उसको मार दिए या धमका दिए डांट भी दिए तब भी अपने लिए दिक्कत है ना। तो करे क्या, भटके हम लोग। ओ जिजवा सार वैसे है ये है, अब कर करे क्या, हमें भी नहीं समझ में आता। अब के बाद जिजवा के ना पानी उन्हें कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ अरे उस सारे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ बहुत हरामी है सर, रोज पहुँचा रहता है। अरे कौनो है घर में कि सब मर गए, दरवाजा खोलोगे कि कौशाम्बी वाले जीजा ऐसे ही चले जाएं। अरे सांस चल रही हो तो दरवाजा खोल दो। अरे यार ये तो ताला बंद है, हमको तो लगा सब साले घर में घुस करके मर गए हैं। जीजवा आ गया होगा घर पे। हाँ पहुंच गए होंगे। हाँ ये बात है, वो साला कहाँ बैठेगा जब हम लोग गेटवा बंद करके। ताला तो हम लोग लगा के आए। हाँ सही किए ताला लगा। अरे पड़ोस में बैठा होगा आसपास, कोई ना पूछेगा उसको। अरे उसकी शक्ल वैसी है जैसे बंदर चूतिया, शायद रोज रोज पहुँचा रहता है वहीं घर पे, जैसे अपना घर बना लिया है। कुछ करिए, वैसे रोज रोज हम लोग पेड़ पे आके बैठेंगे क्या, क्या करे, चले मारे उसको। नहीं तो उसको अच्छे समझाना पड़ेगा। अरे कितनी बार मैं समझाया उससे, मैं थक चुका हूँ। करे तो करे क्या, आएगा साला ऐसे कहेगा, एक दिन कुछ ऐसा बना कर तो देखो दोबारा आएगा। कैसे करेगा, बस ही करेगा, बैठ जाएगा जैसे लग रहा है नाच देखने आया बैठ के। रोज का रोज उसका ड्रामा रोज हो, रोज होता चला जा रहा है, डेली डेली वही ड्रामा। हमको ये नहीं समझ में आता है, कोई काम हम नहीं करता का। मैं लगता है ना बहिपार बहल्ला जिसको कहते हैं वही घूमता है। नल्ला नल्ला। हाँ कुछ नहीं काम हम है नहीं, बेरोजगार घूमता रहता है ऐसे ना। चार लड़के मिल जाएंगे तो उनके साथ घूमे, कहीं गुटखा खाएगा, कहीं बीड़ी पिएगा, यही सब करता है। ऐसा करते हैं फोन ही लगा लेते हैं। लो दीदी बात करो फोन आ रहा है। कौन है? अरे लो कौन है जी, जीजा है क्या? वही सर खड़ूस है, अभी बताते हैं इसको। हेलो हेलो, हम कौशाम्बी वाले जीजा बोल रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उनकी इनकमिंग सेवा बंद हो चुकी है, कृपया रिचार्ज करवा के बात करें। लो इतना बुरा वक्त आ गया सालों का कि फोन में रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं, अब हम इनका फोन रिचार्ज करें? अरे हम फोन में रिचार्ज नहीं करेंगे, चाहे बात करें चाहे ना करें। हाँ
ऐसा करते हैं दूसरे नंबर पे फोन करते हैं। फिर से कर रहा है। वाला बता दो। ठीक है। हेलो। अरे साली, हम तुम्हारे कौशंबी वाले जीजा बोल रहे हैं। हम घर पे आ गए हैं और दरवाजे में बड़ा सा ताला लटक रहा है और हम कुत्ते के जैसे दरवाजे के पास बैठे हैं। यस सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? आओ जल्दी और दरवाजे को खोल करके घर के अंदर हमारी सेवा करो। अच्छा, छोड़ो, कहाँ से बोल रही हो बताओ, मैं तुरंत आ जाता हूँ तुम्हारे पास। नहीं, मैं बैंक से बोल रही हूँ। ये साला बैंक कैसे पहुँच गया? लगता है कि गलत नंबर लग गया है। आपकी लॉटरी लगने वाली है 10 लाख की। हम अपने जीवन में कभी लॉटरी खेले ही नहीं, तो कैसे लगने वाली है? अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स मेरे पे भेज दीजिए। हम बिलास से आए हैं क्या जो हमको सिखा रही है? हम भी कौशंबी वाले हैं, हम सब जानते हैं। अगर हम अपने बैंक का डिटेल किसी को दे दिए तो वो हमारे खाते का सारा पैसा निकाल सकता है। इस समय फ्रॉडगिरी बहुत चल रही है। चल फोन रख, फ्रॉड कहीं की। कौनो बात नहीं है, हम भी कौशंबी वाले जीजा हैं। साले इस बार तो जा रहे हैं, दोबारा आएंगे तो बताएंगे। जीजा चला गया होगा दीदी। चले, अब चलते हम लोग घर। हाँ, चला गया होगा। 5-6 घंटे हो गया। हाँ, तो चला गया होगा। चलते आराम से खाते बनाते हैं। हाँ। आएगा तो ना, क्या करेंगे फिर? आ गया तो? अरे नहीं आएगा, वहाँ लॉक कर देंगे। लॉक कर देंगे, चलो सो जाएंगे। पड़ोसी कह देंगे उन लोग कहीं गए। पड़ोसी कह देंगे बाहर से ताला मार दे, हम लोग अंदर सो जाएंगे, ये ठीक रहेगा ना? चले चले। हाँ चलिए चलिए। भैया उतरिए उतरिए। अरे ये जीजा की वजह से पूरा दिन खराब चला गया है। कल बहुत हैरानी है, पता नहीं क्या चाहते हैं वो हम लोगों से, समझ में नहीं आता है। गवार है एकदम से, कुछ समझ में नहीं आता, कब आना है कब जाना है, कुछ बना चाहता है हम लोग घर। हमको भी लग रहा है यही चाल है इसकी। सुनो, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे लगता है मैं बाथरूम होके आता हूँ, आप लोग चलो। ठीक, जाओ। जल्दी ताला खोलो भैया, बहुत गर्मी लग रही है। खोल रहे हैं, तो कुछ अभी निकाल ले। अरे ये तो ताला टूटा हुआ है। अरे ताला कैसे टूटा? चोर और तो नहीं आया था भैया? चले देखें। चलो भैया, चलो जल्दी। बाप रे, ताला कैसे टूट गया?